सूरह मरियम की बिल्कुल इब्तिदाई आयात काफ हा या ऐन साद जिक्र रहमत रब्बी का अब्दहु ज़करिया। अरे ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औलाद की जरूरत हुई, जानशीन चाहिए था, नरीना औलाद नहीं थी। वो जानते थे, वो समझते थे कि अगर मेरी नरीना औलाद न हुई मेरे जानशीन कोई नहीं बनेगा। अल्लाह ताला ने जो इतनी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है, ये जिम्मेदारी कहीं हाथों से जाया ना हो जाए। आगे फरमा रहे हैं, इज़नादा रब्बहु निदाअन खफिया, छुपके से अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर दुआ करने। क़ाला रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, परवरदिगार आप देख देख रहे हैं मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। वश्ताला रअसु शैबा, और बालों को देखे सफेद हो गए, यानी अपने आजजी बता रहे हैं, अपने बुढ़ापा बता रहे हैं कि मेरी उम्र इतनी हो गई, मेरे बाल सफेद हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई, बदन में जान नहीं है, कमजोर आदमी हूं, कमजोर आदमी हूं, मुझसे नहीं हो सकता आपको। वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, लेकिन ए मेरे परवरदिगार, ये अलग बात है कि मैं कभी भी तुझसे मांगते हुए मायूस नहीं हुआ, तूने कभी मुझे मायूस नहीं रखा, हमेशा मुझे नवाजा है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला के सामने अपनी वो इल्तिजा रखी कि मुझे इस तरीके से अपना एक जानशीन चाहिए, और अल्लाह ताला ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम की सूरत में एक बच्चे की बशारत हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उसी वक्त सुना थी। तुम्हारा दुआओं में, इबादात में, सोचो फिक्र में हमेशा आजजी दिखानी चाहिए।